अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान आर्मी में आने वाली जॉब्स के बारे में मुकम्मल डिटेल देने वाला हूं। आप पाकिस्तान आर्मी में ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी तालीम का क्राइटेरिया कितना रखा गया है और आपकी कितनी उम्र हो तो आप फाइनली पाकिस्तान, आखिरी तारीख क्या है, मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सबसे पहले जो है मैं आपको हेडक्वार्टर ईएमई सेंटर क्वेटा जॉब्स 2023 का क्राइटेरिया बता देता हूं। पाकिस्तान आर्मी की ये जॉब्स 15 घंटे पहले से जो है स्टार्ट हुए हैं। इसके ऊपर जो है अप्लाई करने का तरीकाकार शुरू हो गया है। एड्रेस सीपी ब्रांच हेडक्वार्टर ईएमई सेंटर क्वेटा बलोचिस्तान पाकिस्तान। आपकी कितनी एजुकेशन होनी चाहिए तो फाइनली आपकी प्राइमरी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या इसके अलावा कोई भी जो है आपके पास तालीम है तो आप फाइनली अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी में। आपकी सैलरी 32,000 प्लस जो है आपको पर मंथ मिलेगी। पोस्टेड डेट अक्टूबर 19, 2023, यानी 19 अक्टूबर से जो है यह असामियाँ शुरू हो गई हैं। कंपनी पाक आर्मी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो है यह असामियाँ रखी गई हैं। लोकेशन क्वेटा है। जॉब टाइप फेडरल गवर्नमेंट है। लास्ट डेट 3 नवंबर 2023 है, यानी 3 नवंबर 2023 से पहले जो है आप लोगों ने फाइनली इन पाकिस्तान आर्मी की जॉब पर अप्लाई कर लेना है। लास्ट डेट डेडलाइन डेट जो है 3 नवंबर 2023 है। इसके अलावा जो है जॉब्स पोजीशंस जो है मैं आपको क्लियर करवा देता हूं कि किस किस चीज़ में जो है असामियाँ आई हुई हैं। फाइनली यहाँ पर देखिए, चौकीदार में असामियाँ आई हुई हैं, क्लास अटेंडेंट की जो है असामियाँ आई हुई हैं, कुक यूनिट की आई हुई हैं, एचएस कारपेंटर की आई हुई हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की आई हुई हैं, मैस सुपरवाइज़र की आई हुई हैं, नैब कासिद की आई हुई हैं, सैनिटरी वर्कर की आई हुई हैं और इसके अलावा स्टोर मैन की भी जो है असामियाँ आई हुई हैं जिसमें आप फाइनली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं कि आप लोग कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जिनके पास प्राइमरी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन के कागजात हैं जो बोर्ड के जो है साइन किए गए हों, जो आपको बोर्ड की तरफ से दिए गए हों, वो अगर आपके पास हैं तो आप फाइनली अप्लाई कर सकते हैं। और ये खबर एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में जो है नसामियों की आई है। फाइनली अब बात कर लेते कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, नादरा से इशू किया गया आईडी कार्ड हो और साथ में जो है उसकी दो कॉपी होना चाहिए। और जिस इलाके में आप रहते हैं आपको जो है जो ज़िला लगता है उस ज़िले का जो है डोमिसाइल होता है वो डोमिसाइल होना लाजमी है, उसके साथ उसकी दो कॉपी। आपकी जो है एजुकेशन के जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए असल और उसके साथ में उसकी दो कॉपी। इसके बाद आपके 4 फ़ोटो होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ के, जो ब्लू प्रिंट का होना लाजमी है। पिछली बार भी कुछ बच्चों को ब्लू प्रिंट ना होने की वजह से जो है फेल कर दिया था। आप लोगों ने जो है ब्लू प्रिंट के साथ जो है अपने फ़ोटो खिंचवा लेने हैं 4 पासपोर्ट साइज़ के। फाइनली दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।